सो दिस इज़ डे वन और अभी जो है मेरा सेटअप जो है अभी हमारा सीपीयू है वो आया नहीं है, ठीक है, बट हमने मॉनिटर लगा लिए हैं पूरे अच्छे तरह से, दे देख लो ये मैं डुअल स्क्रीन सेटअप कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द 60 हर्ट्स वाला पैनल 2K एंड ये भी 2K है बट ये शायद एक्चुअली 50 हर्ट्स के अराउंड है कुछ, ठीक है। तो ये मॉनिटर थोड़ा सा बड़ा है, ये मॉनिटर थोड़ा सा छोटा है, बट दोनों को एडजस्ट करने के बाद ये जो है एक सीमलेस ट्रांजिशन बन जाएगा इन दोनों मॉनिटर के बीच में, मतलब मैं जो हूँ विंडो इधर से लेकर जाऊँगा इस मॉनिटर पे आ जाएगी। तो अभी इसका सेटअप करते हैं और अभी आज तो पहले ही दिन है, ठीक है, अभी मैं केबल मैनेज करूँगा एंड जब हमारा CPU आ जाएगा देन फिर आगे का काम देखेंगे, ठीक है। बाकी पूरा फुल टू प्रूफ सेटअप जो है आपको वीडियो के लास्ट में दिखाने देखने को मिलेगा, सो चिपके रहो वीडियो के साथ, ओके। सो दिस इज़ डे टू और दिक्कत हो चुकी है एक, और देखो बताता हूँ, ये वाला जो मॉनिटर है, ठीक है, ये वाला मॉनिटर अभी ख़राब हो चुका है, इसमें जो है एक कैपेसिटर होता है ना नन्ना सा, वो जल चुका है, तो इसकी रिपेयरिंग के लिए जाएगा ये। ये मॉनिटर ऑन द अदर हैंड, इसको निकालना हटा देता हूँ, ये मॉनिटर बिल्कुल सही है, ठीक है, इससे अभी हम लोग विंडोज सेटअप करेंगे, ठीक है। परसों आने वाला मेरा CPU, सो वो भी उसको भी इसी से एक्टिवेट करेंगे, ये जाएगा सर्विसिंग के लिए, और ये मिला के हम डुअल मॉनिटर सेटअप करने वाले थे बट अभी एक ही है तो भाई एक ही से काम चलाना पड़ेगा। एंड ये मैंने पहले से बना के रखा था, थोड़ा डेस्क पे भी अच्छा लगेगा यार, है ना। एंड ये मेरा माउस, आई जस्ट रियली लव दिस माउस बिकॉज अच्छा लगता है यार, इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं जो हूँ एक उंगली से यहाँ पे, ठीक है, दूसरी उंगली जो है मेरी छोटी वाली उंगली यहाँ पे आती है, ठीक है, यू जस्ट फील दैट गेमिंग माउस है फुल्ली। सो मुझे तो गेमिंग करनी नहीं है तो बस इसीलिए बस रख रखा है, ठीक है। ये कीबोर्ड बदलने वाला है, ठीक है, HP का नहीं, मैं अभी जबरोनिक्स का मंगाया है, तो इसकी जगह पे जो है जबरोनिक्स लगा दिया जाएगा। ये कीबोर्ड मुझे मैकेनिकल वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, दैट्स वाई मैंने टैक्टिक कीज वाले मंगाए हैं, तो वो भी मैं लगा के देखूँगा क्या रहता है। और बाकी काफ़ी दुख हुआ ये मॉनिटर ख़राब निकला जब, और ये मतलब काफ़ी 6 महीने से मेरे पास रखा हुआ है ऐसे ही, ठीक है, एंड आज मैंने देखा था तो ये चला था थोड़ी देर के लिए, फिर ख़राब हो गया था। ये वाला सही है तो इसको देखते हैं, आता है परसों फिर लगा के देखेंगे, लेट्स सी क्या रहता है। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज लास्ट में जो है बताने वाला हूँ क्या है, बिकॉज मेरा भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाया था कि क्या मैं लूँगा, कौन सा वाला लूँ मैं, पहले लेनोवो का हो रहा था फाइनल, देन डेल का हुआ है फाइनल, देन डेल में ही दूसरा मॉडल था वो फाइनल हुआ, तो अभी जो है कोरियर से निकल चुका है वो, एंड वो फाइनल है, मतलब वही आ रहा है, एंड इट हैज़ 4 PCIe एक्सपेंशन स्लॉट्स, सो मैं इन फ्यूचर अगर ग्राफिक कार्ड बढ़िया लगाना है तो लगा सकता हूँ आराम से, प्लस गीगाबाइट ईथरनेट नेटवर्किंग है उसमें, ईथरनेट मेरे पास है नहीं, दैट्स वाई मुझे जो है वाईफाई डोंगल का यूज़ करना पड़ेगा, देखो इसमें रखी हुई है ये वाली, ओके, सो इसका यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि गीगाबाइट नेटवर्किंग ऐसे तो नहीं हो पाएगी। चलो आपसे मिलते हैं कल कुछ करेंगे तभी बताएंगे, बाकी सीधे परसों मिलेंगे, तो चलो। सो इट्स एन अपडेट, सो अभी आज है 4th day सेटअप का एंड ये वाला मॉनिटर जा रहा है आज सही होने, इससे अभी काम चलाएंगे इस वाले से बिकॉज इसी से सेटअप करना है, प्लस हो सकता है आज शाम को डिलीवरी हो जाए मेरे CPU की, हो सकता है कल हो, ठीक है, बट ये बिल्कुल ही रॉ वीडियो है एंड जो पूरा एक समझाने वाला वीडियो रहेगा जो एक्सप्लेनेशन वाला वो अलग से डालूँगा मैं, तो अगर देखना है तुम लोगों को इंटरेस्ट है तो जाके देख सकते हो, ठीक है। थोड़ी देर क्विक अपडेट फॉर यू, दिस इज़ द डे 5 or 6 मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, आज 22 तारीख है और अभी पता चला है कि मेरा पैकेज है
वो कल जो है लखनऊ डिलीवर हो चुका है, मतलब आ चुका है। सो अभी जो है आज मेरे हिसाब से शाहजहाँपुर आ जाएगा एंड कल तक डिलीवर हो जाएगा। अब क्विक अपडेट, UPS ले आया हूँ। वैसे मैं लगाना नहीं चाहता था क्योंकि इन्वर्टर प्लग है ये वाला, बट इन्वर्टर से जब कट होता है तो उसको उससे थोड़ा सा बचाने के लिए मैं जो हूँ सेफ्टी पर्पज़ से ले आया हूँ। ठीक है, इसको जो हूँ मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर नीचे रख दूँ, यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर जहाँ पर सारा तार आर भरे पड़े हैं। ठीक है, बट इधर भी मेरे पास जगह तो है देखो नीचे साइड में, बट बात ये है नीचे में हाथ नहीं पहुँचता इतनी जल्दी में, उधर जो है हाथ पहुँच जाएगा आराम से ऐसे में। तब भी मतलब मुश्किल तो है मेरे लिए हाथ मतलब ऑन करना। सोच रहा था यहाँ पे रख दूँ इसमें, लेकिन ये आ नहीं पाएगा क्योंकि इतनी जगह नहीं है। ऊपर डेस्क पे रखूँगा तो भाई बद्धा लगेगा यार, इतना पुरानी टेक्नोलॉजी है ना। सो दैट्स वाई मैं सोच रहा हूँ यार उसको वहीं पर रख देता हूँ। सो क्विक अपडेट, दिस इज लाइक 6th day or 5th day, मुझे नहीं पता यार, मैं तो गिनती भूल गया हूँ। हाय, 23 अगस्त, एंड आज जो है हमारा शाहजहाँपुर पहुँच चुका है पैकेज। आज शाम तक डिलीवर होना चाहिए, अगर नहीं होता है देन भाई बहुत बुरा लगेगा मुझे। कल असल में कल रात में जो है पहुँच चुका था हमारा पैकेज शाहजहाँपुर, बट डिलीवर नहीं हो पाया था। सो दैट्स वाई आज जो है हमारा फाइनल है, अगर हो जाए। ठीक है, सो अभी मैं तो नहा के आया हूँ। ठीक है, एंड अभी मैं जस्ट बहुत बेसब्री इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आएगा। प्लस यहाँ पे जो है हमने, सो फाइनली इट्स हेयर। सो ये है हमारा पूरा, इसमें विंडोज़ 7 पड़ी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैंने 10 कहा था बट वो नहीं डल पाई इसमें। ठीक है, एंड ये है डेल का ऑप्टीप्लेक्स 790। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में आया, बट हाँ थोड़ा उसमें जो शिपिंग है, शिपिंग में यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो गया ये हल्का सा, बाकी ओवरऑल बिल्कुल सही काम कर रहा है ये सान भी। ये देखो कितने सारे तार फैले हुए हैं, ये तो ख़राब है दोनों यार पड़े हुए हैं। और अभी इसको साफ़ करना होगा पूरी टेबल को हमें, ये भी करते हैं अभी यार चलो। एंड मेहनत तो बहुत हो रही है यार, बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो अभी क्या है, मैंने जो है यहाँ पे इसमें जो है डाउनलोड कर लिया अपना जो भी क्रोम रोम होता है, अभी ओपेरा डाउनलोड हो रहा है एंड मेरा ये चल रहा है। अभी लाइट नहीं आ रही, तो दिस इज ऑल अबाउट इन्वर्टर जो वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, एंड इन्वर्टर पे जो तो अभी के लिए क्या करा है मैंने, सिंगल मॉनिटर लगा लिया है, अभी मेरा सारा काम हो जाता है इससे। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहा है बिकॉज भाई समझा करो यार, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ी। सो ये वीडियो जो है पूरी तरह से मेरे डेस्कटॉप पे एडिटेड है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, सो शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और मैं मिलता हूँ आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में, मे बी शायद 1 महीने बाद आए, बट जो भी रहेगा वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तब तक लिए बाय बाय, सैनिटाइज करते रहना हाथ को, बाय बाय।